वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर फ्रेश वीडियो में आपका दोस्त एंड होस्ट सईद खान देखा हमारे यूट्यूब चैनल जिद्दी पठान। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक और खैर खैर होंगे। तो फ्रेंड यहाँ पर जो है हमारा एक न्यू वेपन रॉयल आ चुका है, उसको हम निकालने वाले हैं। और यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूँ कि यार पिछली वीडियो में जो गिवअवे का विनर था उसको हम सेंड करने वाले हैं, उसने जो चीज़ मांगी थी उसको हम सेंड करने वाले हैं। यार वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, वीडियो बिल्कुल एंड तक देखा, दरमियान में स्किप मत करना। अगर आप चैनल पर पहली बात है छोटी सी रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे सेट करना और साथ यार वीडियो को एक लाइक भी करना ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलो दोस्तों बिना टाइम में इसके अपने विनर को कर लेते हैं स्टोर में से गिफ्ट। और यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख सकते हो यहाँ इसका नाम है अब्दुल वली और उसको चाहिए यार स्काइलर का करेक्टर। और यहाँ पर उसने अपने UID भी दिया, तो यार सिंपली स्काइलर के करेक्टर पर कर लेते हैं क्लिक और गिव पे क्लिक करते क्लिक। और यहाँ पर जो है उसकी UID मैंने पहले से ही कॉपी कर लिया, तो यार सिंपली इसको यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पर सर्च लगा लेते हैं और देखते हैं यहाँ पर आ चुके हैं हमारे T50 साइको इसका नाम है। तो यहाँ पर सिंपल इसको कर लेते हैं, लिख लेते हैं कंग्रेचुलेशन कि ये हमारा विनर है पिछली वीडियो का जो गिव अवे था उसका विनर। तो सिंपल इसको गिव पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर 100 का ले लगा लेते हैं डिस्काउंट, 499 डायमंड का उसको मिल चुका है गिफ्ट। तो यहाँ पर आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। यार पार्टिसिपेट करने के तरीके क्या है यार, वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में अपना नेम UID और इन गेम नेम कमेंट कीजिएगा और जो चीज़ आपको चाहिए स्टोर में से वो भी लिख लीजिएगा। अगर आप गिवअवे के विनर हो तो यार आपको भी ये चीज़ मिल सकती है आपके पसंद की। और यार किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे व्हाट्सअप फेसबुक या किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने इंट्रो के बाद। सिंपली हम आ चुके हैं अपने इंट्रो के बाद, लेफ्ट राइट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमारा आ चुका है वेपन रॉयल कार 98। और यहाँ पर क्यूटनर पता नहीं क्या नाम है यार, मेरे जो इंग्लिश है वो थोड़ी सी वीक है। यहाँ पर आप देखते मेरे पास 8 कार्ड और यहाँ पर हम लक को ट्राई कर देते हैं यार, देखते हैं कितने स्पिन पे मिलने वाला है यहाँ पर, क्या हम अपने डायमंड्स को बचा पाएंगे या नहीं। तो यहाँ पर सिंपली फर्स्ट स्पिन कर लेते हैं और यहाँ पर पिंक बॉक्स तो मिल चुका है लेकिन 24 घंटे के लिए मिल चुका है एक एक का स्किन। फिर से कर लेते हैं स्पिन और देखते हैं क्या मिलने वाले हैं, शॉटगन की स्किन। फिर से कर लेते हैं एक और स्पिन और यहाँ पर जो है इस कार्नेट इसको हम निकालने वाले, काफी ओपी होने वाले है हमारा। और यहाँ पर आप इसको एबिलिटी आपको बता दूँ इसका है रेंज और डबल आर्मर प्रोटेक्शन है। तो सिंपली यार एक और कर लेते हैं स्पिन और देखते हैं यार क्या हमें ये मिल पाएगा या नहीं। तो यहाँ पर हम एक एक स्पिन कर लेते हैं, यहाँ पर जो 8 कार्ड है वो फाइनली हम यहाँ पर ख़त्म करने वाले हैं और उसके बाद हम इस पर फिर डायमंड पर भी स्पिन करेंगे। तब तक स्पिन करेंगे जब तक हमें जो है ये कार 98 की स्किन नहीं मिल जाती। तो यहाँ पर सिंपली मुझे मिल चुके एक और वेपन कार्ड और यहाँ पर एक और कर लिया मैंने स्पिन और यहाँ पर फिर भी कुछ नहीं मिला। तो यहाँ पर सिंपली अगर आपको कुछ नहीं मिलता है तो यार ट्रिक को आजमाओ, चेंज करो कैरेक्टर को और यहाँ पर सिंपल ले जाओ एडम चाचा यानी प्रीमियस को ले लो। तो यहाँ पर मैंने भी इसको ले लिया और साथ ही यहाँ पर जो है जो आपके पास वेपन हो उसको भी आप जो है यहाँ पर अनइक्विप कर लो और जो पीड है वो भी अनइक्विप कर लो। तो यार इंशाल्लाह बहुत ही जल्द आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर सिंपल यहाँ पर इसको भी मैं कर लेता हूँ अनइक्विप और यहाँ पर अनइक्विप मैंने कर दिया। अब पीड पे चला जाता हूँ, पीड को भी कर लेता हूँ अनइक्विप। तो यहाँ पर इसको भी रेस्ट कर लिया। तो यहाँ पर अब सिंपली चलता हूँ फिर से लक रॉयल में और यहाँ पर वेपन रॉयल में। यहाँ पर आप देख सकते हो यार 9 स्पिन में कर चुका हूँ, एक स्पिन और कर लेते हैं यार 10 कर लेते हैं, देखते हैं क्या हमें मिलेगा। तो यहाँ पर फिर से कुछ नहीं मिला। अब एक और मिल चुका है मुझे कार्ड, एक कार्ड पे एक स्पिन कर लेते हैं। इसके बाद मैं करने वाला हूँ 10 के स्पिन, 10 का स्पिन करते हैं, देखते हैं कितने स्पिन पे मिलने वाले। तो फर्स्ट में करने वाला हूँ 600 का स्पिन, मुझे मिल चुका है यहाँ पर एक पिंक बॉक्स और देखते हैं यहाँ पर फाइनली मुझे मिल पाता है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुझे मिल चुका है 24 घंटे के लिए 600 डायमंड तो हो गए जाया। एक और मिल चुका है मैं वेपन कार्ड और एक और कर लेते हैं स्पिन और देखते हैं कितने स्पिन पे और मिलने वाला है। यहाँ पर फिर से कर लेते हैं स्पिन और यहाँ स्पिन पे स्पिन करने जाएंगे जब तक हमें नहीं मिल पाता ये कार 98 का स्किन। तो यहाँ पर मुझे मिल चुका है काफी सारी बॉक्सेस गन मिल चुके कुछ डेज के लिए। फिर से कर लेते हैं 600 का स्पिन और देखते हैं क्या इस बार हमें डायरेक्ट परमानेंट निकल पाएगा यानी या कितने डायमंड इसमें हमारे लगने वाले। यहाँ पर काफी सारे डायमंड मैंने इस पे लगा लिए। एक और कर लेते हैं 600 का स्पिन,
यहाँ पर 40 के ऊपर मैंने इसपे स्पिन कर दिया, लेकिन अभी तक कार 98 का मुझे नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ 24 घंटों के लिए ही मिल चुका है, 48 घंटों के मुझके एक और मिल चुका है हमें कार्ड, और फिर से कर लेते कार्ड पे स्पिन, और यहाँ पर 24 घंटे के लिए फिर से मिल चुका है एक और कर लेते हैं 600 डायमंड्स का स्पिन। तकरीबन इसमें मैंने तकरीबन 2-3-4 हज़ार तक डायमंड लगा लिए, काफ़ी सारे डायमंड्स पे मैंने खर्च करे, लेकिन अभी तक मुझे जो है स्पिन स्किन जो है कार 98 का नहीं मिल। एक और कर लेते हैं 10 का स्पिन और देखते हैं क्या इस बार हमें मिल पाता है या नहीं। तो फिर से मिल चुका है यार सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे के लिए, फिर एक और कर लेते हैं स्पिन और देखते हैं क्या इस बार हमें मिल पाएगा या नहीं। मुझे मेरे पास इसके सिर्फ 5512 डायमंड, यानी बहुत सारे डायमंड्स पे हमारे खर्च चुके 4000 के ऊपर जो है डायमंड्स पे खर्च हो चुके। यहाँ पर एक और कर लेते हैं 10 का स्पिन और देखते हैं फाइनली कार 98 का स्किन जो है मेरा निकल चुका है। यहाँ पर कार 98 एक एस्क्यूनेटर, पता नहीं क्या नाम है यार, सॉरी उसके लिए क्योंकि मुझे ज़्यादातर इंग्लिश नहीं आती। यहाँ पर फाइनली आप देख लिया कार 98 जो है स्किन हमें मिल चुका है जो काफ़ी ओपी होने वाला है। यार आपको कैसा लगा यार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और यहाँ पर फाइनली यहाँ पर मुझे मिल चुका है कार 98 का स्किन, यहाँ पर सिंपली ओके कर लेते हैं। तो यहाँ पर तकरीबन 93 स्पिन पे मुझे मिल चुका है काफ़ी सारे, तकरीबन 5000 डायमंड मेरे इस पे खर्च हो चुके हैं। यहाँ पर 4000-5000 डायमंड तकरीबन इस पे खर्च हो चुके हैं। यहाँ पर वेपन पे चले जाते हैं, अब इसको कर लेते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महंगा ये हमने निकाले थे। यहाँ पर इसको कर लेते हैं शो इन लॉबी। तो फाइनली हमें जो है ये मिल चुका है, यहाँ पर कैटो को भी वापस ले आते हैं यार CR7 का। और यार अगर आप भी पार्टिसिपेट करना चाहते हो यार, तो यहाँ पर आप सिंपली अपने UID इन गेम नेम और यहाँ पर जो चीज़ आपको स्किप स्टोर में चाहिए वो लिख लीजिएगा। अगर आप हमारे विनर हुए तो यार सिंपली आपको कर लेंगे सेंड। तो दोस्तों चलो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, और तब तक के लिए इजाज़त।